हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। तो पहला हम देखते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात, टोटल सीट है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए 7, 5 हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 है एसटी के लिए, 1 है एससी के लिए, 0 है ओबीसी के लिए, 0 है पीडब्ल्यूडी, 0 है यूपीएस कोटा, 0 है ईडब्ल्यूएस। फिर आगे बात करते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, इसमें टोटल सीट है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का 3, जिसमें 2 है अनरिजर्व कैटेगरी में और 1 है ओबीसी में, बाकी सब में 0 सीट। फिर आगे बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार, इसमें सबसे ज़्यादा सीट है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 30 सीट है। अगर आपका परसेंटाइल कम है या रैंक कम आ रहा है और आप पीसीएम या पीसीएमबी ग्रुप से हैं तो आप बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में ट्राई कर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, क्योंकि इसमें टोटल 30 सीटें हैं जिसमें अनरिजर्व में 16 सीट हैं, 4 है एससी में, 2 है एसटी में, ओबीसी में 8 है, पीडब्ल्यूडी में 2 है, यूपीएस कोटा में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है। फिर आगे बात करते हैं जयशंकर प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना, इसमें टोटल सीट है 6, जिसमें 5 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 है एससी के लिए, 0 सीट एसटी के लिए, 0 सीट ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूडी यूपीएस ईडब्ल्यूएस बाकी सब में ही 0 सीट। फिर आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर कर्नाटका, टोटल सीट है 11, जिसमें अनरिजर्व में 8 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 0 सीट, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट, यूपीएस कोटा में 1 सीट और ईडब्ल्यूएस में 0 सीट। फिर आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटका, इसमें टोटल सीट है 5 बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में, 4 हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 है एससी में, बाकी सब में 0 सीट। फिर आगे बात कर लेते हैं वसंतराव नायक मराठवाड़ कृषि विद्यापीठ कृषि नगर प्रवनी में, टोटल सीट इसमें है 10, जिसमें 7 अनरिजर्व कैटेगरी में, 2 है एससी में, 1 है एसटी में, 0 ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और यूपीएस कोटा के लिए 1 सीट, यूपीएस कोटा के लिए 0 सीट। तो इसमें टोटल देखते हैं तो अनरिजर्व में 47, एससी में 11, एसटी में 5, ओबीसी में 9, पीडब्ल्यूडी में 4, यूपीएस कोटा में 2 और ईडब्ल्यूएस में 3। थोड़ी सी यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा कैंडिडेट बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में एलिजिबल है। तो जिनका 12th में पीसीएम रहा हो या पीसीएमबी रहा हो और एंड आईसीएआर का एग्जाम मात्र पीसीएम ग्रुप में ही दिए हों तो वो फूड टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है। तो के लिए इतना है, थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।